फ्रेंड्स, बिहार फोटो वीडियो एक्सपो का ये दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने इसके पहले अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया देख ले। देखिए, पटना के सबसे बड़े ब्लॉगर मिस्टर साहेब अली। साहेब अली, पटना में फोटो वीडियो एक्सपो, फोटो वीडियो फेयर लगा है। कई तरह की कंपनियां यहां पर आई है अपने अपने उत्पादों के साथ। त्रिदिवसीय ये मेला लगा है, आप चाहे तो आ सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ों को देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस फेयर में क्या कुछ देखने को मिलता है। लोगों से बातें भी करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करेंगे। जिमी यहाँ पे लगा हुआ है और मोनोकोड भी यहाँ पे। कई तरह के उपकरण जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कभी कभी फिल्मों में या फिर डॉक्यूमेंट्री वगैरह के शूट में या फिर सीरियल्स के शूट में, वो यहाँ पर उपलब्ध है। ये देख सकते हैं जिमी यहाँ पर उपलब्ध है। सबकी अपनी अपनी हाइट होती है। यहाँ पे फोटो से आए भैया आप? हम बिहार शरीफ से आए हैं। बिहार शरीफ से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सही रेट में बिक रहा है सब? हाँ, सही रेट में मिल रहा है। मार्केट से सस्ता है? सस्ता तो पता नहीं, डिस्काउंट है। कुछ डिस्काउंट है, हल्का फल्का डिस्काउंट है। आप क्या करते हैं? वीडियोग्राफी करते हैं, और क्या करेंगे? शादी वगैरह में जी, तो आपके लिए है अम्ब्रेला वगैरह ले जा रहे हैं। और क्या ले जा रहे हैं? और ये है। तो बिहार से तो सुबह चले होंगे? हाँ, अभी घर जा रहे हैं जी। चलिए, थोड़ा थरथराने जा रहे हैं। देखिए देखिए, ये देखिए थरथरा रहे हैं। बहुत सही लग रहा है, पंखा चल रहा है, मेरा पल्स चल रहा है, टाइम चल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड है और स्पीड बढ़ता ही जा रहा है। ये प्रोग्राम सेलेक्ट है एचएल। एचएल मतलब क्या हुआ? स्पीड को होगा प्रोग्राम का। अच्छा, ये पल्स चल रहा है, ये टाइम है, टाइम है। पल्स कैसे चलेगा? कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हुआ? जब छोड़ दिया लेकिन तो भैया एक से एक चीज यहाँ पर है और एक दिन बचा है, अगर जाना है तो आ जाइए। ये देख सकते हैं कई चीजें हैं यहाँ पर। ऐसे ये सब चीजें एक जगह एक छत के नीचे है, जब आप खोजने जाइएगा तब वो कई जगह पे घूमने। हम आपको नहीं बचा पाए। क्या खरीदे हैं? ट्राइपॉड पोर्टल और बैग खरीदे हैं। ये जो आदमी आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये भी बहुत पटना के जो है ना, बहुत फेमस आदमी है ना। अभी कहाँ है आप? अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ईटीवी में थे पहले। हाँ, और अच्छे कैमरा मैन है ये भी। और ये देख सकते हैं यहाँ से भी सामान खरीद के ले जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे है जो सिनेमेटोग्राफर है, उन लोग के लिए कुछ है यहाँ पर? कुछ है, लेकिन दिल्ली जैसा नहीं है। दिल्ली जैसा नहीं है? नहीं है। और शायद जगह भी कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा है।
नहीं कोई बात नहीं है, शुरुआत अच्छा हो तो बात है और आगे हो सकता है धीरे धीरे ये बड़ा रूप ले। हाँ बिल्कुल लेगा लेगा, तो जिस हिसाब से लोगों का रुझान है उस हिसाब से लेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग एक से एक लोग आए हुए हैं, पटना के कई दिग्गज लोग आज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे या दिख जाएंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में साफ, यहाँ पर एडिटिंग के लिए भी बहुत कुछ है, ये देख सकते हैं। देखिए पटना के सबसे बड़े ब्लॉगर मिस्टर साहेब अली, साहेब अली ये देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे ना कि आप इनसेन भाई के साथ कहीं वीडियो बनाए, कहीं मौका ही नहीं मिला यार। सीरियसली आज मुझे बहुत अच्छा लगा भाई से मिल करके, भाई अचानक से टकरा गए और ऐसी मुलाकात हो गई यार। सीरियसली क्या हाल है? बहुत अच्छा। ये लोग कहते हैं कि आपके बहुत बड़े कंपटीटर हैं। कोई कंपटीटर नहीं है भाई, कोई कंपटीटर। जहाँ हम जाते हैं हमसे पहले इनका नाम पहुंच जाता है। अभी मुंह चुरा रहे थे। शौक हो गया कि यार कौन ही है, इंसान भाई है क्या? मैं भी कर रहे हैं, ये तो वही है। अभी अभी जो है पताल गंगा से आ रहे हैं, ताजा फ्रेश लग रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप भी बहुत कई बार गए और वहाँ पर कैंपिंग होगा, बॉनफायर होगा, रॉक क्लाइंबिंग, एवरीथिंग यू वांट, सब कुछ होने वाला है। चलिए तो आज मिल गए। तो बिहार फोटो वीडियो एक्सपो 2021 की तस्वीर आपने मेरे कैमरे की नज़र से देखी है, मेरे नज़र से देखी है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप कल आ सकते हैं, मतलब कि आज आ सकते हैं। 21-22 अक्टूबर तक ये है, 3 दिवसीय ये लगाया गया है फिर, और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, खासकर फोटो वीडियो में जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। मिशन का प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय बिहार। जब आप इस फेयर में आएंगे तो ऊपर सभागार है, ऊपर एग्जीबिशन लगा हुआ है, और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा पार्किंग है ठीक इस ज्ञान भवन के नीचे, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। मैंने भी अपनी गाड़ी को यहीं पर किया है, तो पार्किंग का टेंशन नहीं है, आप आ सकते हैं। एंट्री भी फ्री।